गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम आपसे इस लेक्चर में कोरिलेशन, जिसको कि सहसंबंध के नाम से जाना जाता है, उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में आपसे विस्तार से आपको बताएंगे और उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको मालूम ही है, कार्ल पियर्सन के द्वारा इस सहसंबंध गुणांक, जिसको कि हम कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन कहते हैं, इसको फर्स्ट टाइम जो डिफाइन किया गया था वो कार्ल पियर्सन के द्वारा किया गया। कोरिलेशन, जैसा कि इसका अर्थ नाम से इसका अर्थ स्पष्ट हो रहा है, कोरिलेशन क्या है, सहसंबंध क्या है, सहसंबंध दिए गए टू वेरिएबल्स, जो दो वेरिएबल्स दिए गए हैं, उन दो वेरिएबल्स के बीच में हम रिलेशन को चेक करते हैं कि क्या उनके बीच में किसी भी तरह का कोई रिलेशन पाया जाता है या नहीं पाया जाता है। कोरिलेशन मींस दैट बिटवीन टू सीरीज और टू ग्रुप्स ऑफ डाटा देयर एग्जिस्ट सम कैजुअल कनेक्शन। इन अदर वेज वी कैन से देयर आर सम कैजुअल कनेक्शन एग्जिस्ट इन द गिवन टू सीरीज और ग्रुप्स। वी कैन एक्सप्लेन द कोरिलेशन, दैट कोरिलेशन इज द स्टेटिस्टिकल एनालिसिस विच मेजर्स एंड एनालाइज द डिग्री और एक्सटेंट ऑफ विच टू वेरिएबल्स फ्लक्चुएट विद रेफरेंस टू ईच अदर, विद रेफरेंस टू ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल, वन वेरिएबल इज गिवन हाइट ऑफ फादर एंड वन वेरिएबल इज गिवन हाइट ऑफ सन्स, देन वी कैलकुलेट द कोरिलेशन। जब हम कोरिलेशन निकालेंगे, सहसंबंध निकालेंगे, तो ये इस बात को बताएगा कि वहां पर किसी तरह का कोई कैजुअल कनेक्शन है या नहीं, उन डेटा को जब हम एनालाइज करेंगे।
कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो कार्ल पियर्सन का कोफिशिएंट है ऑफ कोरिलेशन का indicates only the degree of correlation indicate the degree of the correlation कार्ल पियर्सन का जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है जिसको कि हम आर से डिफाइन करते हैं इसका जो साइन है वो क्या है आर है इंडिकेट्स द डिग्री ऑफ द कोरिलेशन दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स ये स्टेटमेंट जो है फॉल्स है व्हाई क्योंकि कार्ल पियर्सन का जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है वो केवल डिग्री जो है कोरिलेशन की नहीं बताता है उसके अलावा भी डिग्री के साथ साथ इट्स एक्सप्लेन ये क्या एक्सप्लेन करता है जो कार्ल पियर्सन का कोफिशिएंट है ये इंडिकेशन ऑफ डायरेक्शन ये डायरेक्शन के बारे में बात करता है ये इंडिकेशन ऑफ डिग्री के बारे में बात करता है ये साथ साथ ये भी बताता है कि मैथमेटिकल लिमिट ऑफ कोफिशिएंट जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव वो कितनी है तो मेजरमेंट ऑफ बोथ द डिग्री एंड डायरेक्शन खाली अब क्या है कि इंडिकेट्स द डिग्री एंड द डिग्री ऑफ द कोरिलेशन तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डिग्री एंड डायरेक्शन बोथ ये जो है ये इसका सही आंसर करेक्ट आंसर तो इस तरह से कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट जो कोरिलेशन है वो इंडिकेट करता है डिग्री को एज वेल एज डायरेक्शन को डिग्री को भी करता है और डायरेक्शन को भी इंडिकेट जो है ये कार्ल पियर्सन का जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है जिसको कि आप आर से डिनोट करते हैं आर के रूप में आप इसको बताते हैं अब आता है कार्ल पियर्सन कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन A
मे एक्सीड प्लस वन बी है मे एक्सीड सी इन बिटवीन डी नन ऑफ अबव जो कार्ल पियर्सन का कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है वो कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मे एक्सीड प्लस वन मे एक्सीड माइनस टू सी इन बिटवीन प्लस एंड प्लस माइनस वन यानी कि वो रहता है किसके बीच में इन बिटवीन प्लस माइनस वन या नन ऑफ द अबव जिसका करेक्ट आंसर है कि कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन लाई बिटवीन प्लस माइनस वन यानी कि किसी भी कंडीशन में ये प्लस वन से या माइनस वन से ज्यादा नहीं हो सकता नेक्स्ट कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन If R is negative, अगर R negative है then first both the variables are decreasing. Both the variables are decreasing. Second, both the variable are increasing third one variable increasing and other variable decreasing. None of the above.
अगर कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, जिसको कि हम आर कह रहे हैं, इफ उसकी जो वैल्यू है जो हम कैलकुलेट करते हैं वो माइनस में आ जाती है, इफ आर इज नेगेटिव, तो बोथ द वेरिएबल्स, जिन वेरिएबल्स के बेस पर हमने कार्ल पियर्सन के कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को कैलकुलेट किया है, तो बोथ द वेरिएबल्स आर डिक्रीजिंग, दोनों वेरिएबल्स जो हैं डिक्रीज होंगे। बोथ द वेरिएबल्स आर इंक्रीजिंग, दोनों वेरिएबल्स जो हैं वो इंक्रीज हो रहे होंगे। वन वेरिएबल इंक्रीजिंग एंड अदर वेरिएबल डिक्रीजिंग, उनमें से कोई एक वेरिएबल जो है इंक्रीज हो रहा होगा तो दूसरा वेरिएबल जो है वो डिक्रीज हो रहा होगा। नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये है कि वन वेरिएबल इंक्रीजिंग एंड अदर वेरिएबल डिक्रीजिंग, क्योंकि जो उसका इफेक्ट होगा उसके साथ में जो कनेक्शन होगा, एक वेरिएबल अगर बढ़ रहा है तो उसका जो इफेक्ट है वो दूसरे वेरिएबल के साथ ये पड़ेगा कि वो डिक्रीज हो जाएगा। जैसे जैसे हम लेकर के चलते हैं एज, इसका एग्जांपल हम लेकर के चलते हैं एज, एज जैसे जैसे बढ़ती चली जाती है, इंक्रीज होती चली जाती है, एक वेरिएबल एज है और वो इंक्रीज हो रही है, तो जो प्लेइंग हैबिट है, खेलने की जो आदत है, वो जैसे जैसे एज इंक्रीज होती चली जाती है, प्लेइंग हैबिट्स जो है, खेलने की जो आदत है, वो उसी तरह से डिक्रीज होती चली जाती है, और इनके बीच में जब हम कोरिलेशन कैलकुलेट करते हैं तो वो नेगेटिव आएगा। तो अगर कोरिलेशन नेगेटिव है तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है और दूसरा वेरिएबल डिक्रीज हो रहा है। कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर, इफ परफेक्ट नेगेटिव, परफेक्ट नेगेटिव, परफेक्ट नेगेटिव, अगर वो परफेक्ट नेगेटिव है, ए माइनस वन, बी जीरो, सी प्लस वन एंड डी माइनस वन टू जीरो, माइनस वन टू जीरो, परफेक्ट नेगेटिव। इफ कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर इज गिवन परफेक्ट नेगेटिव, माइनस वन, बी जीरो, सी प्लस वन, डी माइनस वन टू जीरो, इट्स करेक्ट ऑप्शन इज माइनस वन। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा होगा